लोगों की तो इन्फॉर्मेशन है, बाकी और का क्या हाल होगा पता नहीं। 9 लोग मर गए, आपने देखा वो जो महिला मरी हुई मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर, और उसकी छोटी सी बच्ची जिसे पता नहीं, वो सोच रही मां मेरी सोई, उसे जगाने की कोशिश कर रही, और फिर एक और व्यक्ति वहां मर गया, फिर और देखे आपने, तो 9-10 लोग ऐसे मर गए रेलवे में। ना उसमें पानी है, ना खाना है, जो पानी पी रहे हैं वो बाथरूम का पानी पी रहे हैं, बहुत बुरी उनकी हालत है, गर्मी है, पंखे नहीं चल रहे हैं। क्या हालत बना दी है, क्या सरकार का डिपार्टमेंट, सरकार को ही पता नहीं है, सरकार के डिपार्टमेंट के लोग इसमें शामिल नहीं है, क्या वो लोग बेईमान नहीं है, क्या लोग वो भ्रष्ट नहीं है, क्या वो लोग नकारा नहीं है? ये वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी, वो व्यक्ति जिसने कहा था कि किसी हालत में भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 625 लोगों के नाम थे जिनके खाते विदेशों में हैं, जो स्विस बैंक ने शायद बताए थे। आज तक उन 625 लोगों के नाम सरकार ने जनता को नहीं बताए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट तक को भी नहीं बताए। पनामा पेपर्स में जिन लोगों के नाम थे उनको नहीं बताया गया। वो मीडिया जो दलाल, गुलाम और गोदी मीडिया है, ये उसका है, इस पर कुछ नहीं बोलता वो गोदी मीडिया, कुछ नहीं बोलता ये गोदी मीडिया। इतिहास में इसका नाम बड़े काले अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसने देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, इंसानियत के प्रति अपना फर्ज ना निभाकर सिर्फ सरकार की चापलूसी करी, उसके तलवे चाटे और अपना ईमान बेचकर उसके हिसाब से जो भी कहना था उसके हिसाब से कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी तरह से भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहना के पूरी तरह से लीगल कर दिया। सरकार 2019 में ही एक ऐसा कानून, ऐसे नियम बना चुकी है जिस नियम के बाद में बैंकों में होने वाले फ्रॉड, बैंकों में होने वाले घोटाले, उनके खिलाफ कोई FIR तक नहीं होगी। वित्त मंत्री ने 3-4 दिन पहले जो बैंक के जो अधिकारी हैं उनके साथ में मीटिंग की, और उसमें यह कहा कि आप लोन दीजिए, चाहे जिसको लोन दीजिए, अगर वो लोन देते समय आपको, आप जो व्यक्ति को जिसको दे रहे हैं वो व्यक्ति किसी तरह से लोन नहीं भी लौटा पाता है, या लगता है कि भी गलत व्यक्ति को लोन दे दिया गया और वो बैंक को नुकसान भी हो जाता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 3C आपके खिलाफ कुछ करने वाले नहीं है। क्या है 3C? नंबर 1 CBI, नंबर 2 CVC और नंबर 3 CAG। यानी ये 3 संस्थाएं जो कहीं भी कोई जुल्म हो रहा है, कहीं भी कोई आप यूं कह सकते हैं कि कहीं कोई फ्रॉड हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, विशेषकर बड़े कांड हो रहे हैं, CBI में इन्वेस्टिगेशन करती है, FIR करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, CVC जो ये जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंस हैं उनको भी कंट्रोल करती है, ED भी करती है, इन सबकी जो है सबको देखभाल करती है, और जो CAG है वो सबका ऑडिट करने के बाद बताती है कि किस डिपार्टमेंट ने क्या गड़बड़ की है, किस डिपार्टमेंट ने कहां घोटाला किया है, किस तरह से सरकार को चूना लगाया है, और सरकार का जो पैसा है वो कैसे बर्बाद हुआ है। लोगों का पैसा है, आपका और हमारा पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। तो ये पैसा हमारा, जनता का पैसा, और इसको लोन के रूप में ये बड़े बड़े उद्योगपति, ये जालसाज लोग, ये बेईमान, ये चीटर, ये लोग लेकर, लोन के नाम पर लेकर, जिसमें बैंक के कर्मचारी, अधिकारी, ऊपर लेवल के चेयरमैन तक, डायरेक्टर तक शामिल होते हैं, लेके चले जाते हैं और जनता का पैसा मार लेते हैं। ऐसे बैंक के कर्मचारियों को अब छूट दे दी गई, अधिकारियों को, चेयरमैन डायरेक्टर को छूट दे दी गई, अब जो मन में आता है करो, आपके खिलाफ ना CBI कोई कार्रवाई करेगी, ना CVC और ना ही CAG। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने भ्रष्टाचार को खुली छूट दे दी। वैसे भी इससे पहले सरकार 2019 में ही
एक ऐसा कानून, ऐसे नियम बना चुकी है जिस नियम के बाद में बैंकों में होने वाले फ्रॉड, बैंकों में होने वाले घोटाले, उनके खिलाफ कोई एफआईआर तक नहीं होगी। 2019 में यह नियम बनाया सरकार ने, और नियम क्या बनाया कि 50 करोड़ से ऊपर के जितने भी बैंक के फ्रॉड हैं, घोटाले हैं, उन सब के विषय में एक कमेटी बना दी गई है, और वो कमेटी ही उसको जो है उस पर जांच पड़ताल करेगी और वही रफा दफा उसको करेगी, और उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं बैंक वालों को, लगातार फ्रॉड हो रहे हैं। क्या है वो कमेटी, कौन कौन उस कमेटी में? उस कमेटी में सीबीआई का व्यक्ति रहता है, उस कमेटी में सीवीसी का व्यक्ति रहता है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का व्यक्ति होता है, उस कमेटी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का व्यक्ति होता है, उस कमेटी में सीएजी का व्यक्ति होता है, उस कमेटी में गवर्नमेंट का व्यक्ति होता है, उस कमेटी में बैंकों के प्रतिनिधि होते हैं, और 50 करोड़ और उससे ऊपर के जितने भी घोटाले हैं उन सबको मिल बैठ के वहीं पर निपटा लेना है। उसके विषय में कोई जांच पड़ताल, किसी एफआईआर की कोई जरूरत नहीं। 2019 में ये कर दिया, और अब उनको यह खुली छूट दे दी गई कि अब जिसको चाहे लोन दे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या है इसका मतलब? यानी भ्रष्टाचार को, बेईमानी को एक कानूनी जामा, एक नियम के तहत आवरण पहना के और उसको लीगल कर दिया गया, उसको वैध करार दे दिया गया, कानूनी उसको मान्यता दे दी गई कि करो भ्रष्टाचार। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ईमानदार व्यक्ति है, लोग इसका यह भी देते हैं, वो तो अकेला है भाई, अकेला व्यक्ति है, वो किसके लिए बेईमानी करेगा, किसके लिए क्या करेगा, ये भी उसके उसमें उदाहरण देते हैं, और कोई भी उसके मतलब कहीं कोई नाम नहीं है बेईमानी में। साथियों, अगर मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं इस देश में, उनमें सबसे झूठे, देश की जनता को गुमराह करने वाला सबसे एक खतरनाक व्यक्ति, देश की जनता के साथ धोखा करने वाला व्यक्ति, और बेईमान, सबसे ज्यादा बेईमान और भ्रष्ट व्यक्ति, और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से कानूनी बना के लूट के लिए खुली छूट देने वाला व्यक्ति, तो शायद साथियों आप मेरी बात का पता नहीं बुरा मानेंगे या इसको किस तरह से लेंगे, मैं नहीं जानता। इसलिए मैं ये सब नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ऐसे हैं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ सवाल जरूर छोड़ रहा हूं, इनको सोचने की जरूरत है, हर किसी को सोचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी तरह से भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहना के पूरी तरह से लीगल कर दिया। आपको ध्यान है कि जब जो राजनीतिक पार्टियां विदेशों से चंदा लेती हैं, इसके विषय में काफी हल्ला मचाता, और ये विदेशों से जो चंदा लेती हैं इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, वो विदेशों से चंदा बैन किया जाए, कांग्रेस भी इसके लपेटे में आ गई थी, लेकिन इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस कानून को इस तरह से उसमें फेरबदल किया कि वो विदेशों से जो चंदा लिया गया था, जिसके लपेटे में कांग्रेस तक भी आ गई थी, बीजेपी तो आई नहीं थी, वो सब वैध हो गया और वो सब मामला खत्म हो गया। अब राजनीतिक पार्टियां कहीं किसी से चंदा ले लो, वो के अपराध नहीं है, कर दिया। इसके अलावा यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने जो चंदा लिया जाता था राजनीतिक पार्टियां, उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड चलाए। इलेक्टोरल बॉन्ड आपको मालूम है, करीब उसमें 6,500 करोड़ रुपए जमा हुए, जिसमें 95% जो रुपया है, यानी 6,000 करोड़ के लगभग जो है वो अकेले बीजेपी के पास आया। और इलेक्टोरल बॉन्ड वो है जिसमें जो देने वाला व्यक्ति है उसका नाम, पता, सब कुछ गुप्त रखा जाएगा। आपको कभी नहीं पता लगेगी किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया, किसको दिया, कुछ नहीं पता लगेगी। तो जो चंदा था, जो उद्योगपति हैं उनसे लेने वाला जो चंदा है, उसको इस तरह से कर दिया कि आपको पता ही नहीं लग पाएगी। यही नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने ही हल्ला मचा और इसी तरह से इन्होंने इसको लीगल कर दिया, किया नहीं किया। अब जो इस समय चल रहा है पीएम केयर फंड, इस पीएम केयर फंड
जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष है, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड है, तो पीएम केयर फंड क्यों बनाएगा? और इसमें भी किस किस ने कितना कितना पैसा दिया है कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई, इसका कोई ऑडिट नहीं होगा। और इसको ट्रस्ट बनाया गया जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री, ये जो लोग हैं ये ट्रस्टी हैं, लेकिन आपको कभी नहीं पता लगेगी कि ये कहां से कहां, किसको, किसने पैसा दिया और कहां आ रहा है पैसा, कहां जा रहा है, कुछ नहीं। और नाम पर किसके है? कोरोना के नाम पर। आप उसमें देखें जो उन्होंने पीएम केयर फंड बनाने की बात की कोरोना के, लेकिन आप बताइए कि अभी तक, मैं समझता हूं तकरीबन 1.5 महीना हो गया होगा, इसके बाद से कोरोना के लिए कितना पैसा दिया गया है? आप देखिए जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है वो क्या है, पीएम केयर फंड में जो पैसा आ रहा है कहां से आ रहा है, ये जो सारी चीजें इसी तरह से कि भैया कुछ वहां दे दो दान और कुछ आप खाओ और मौज करो, ये सारी की सारी चीजें इसलिए की जा रही। आपको नहीं पता है कि जिन लोगों को लोन दिया जाएगा वो लोग भी सही मायने में इस देश में, इस दुनिया में होंगे भी या नहीं होंगे, या वो भी सारे के सारे जाली फर्जी खाते बनाए जाएंगे, फर्जी लोग बनाए जाएंगे, फर्जी आइडेंटिटी बनाई जाएगी और उसके बाद उनको दे दिया जाएगा, क्योंकि ये तो कह दिया सरकार ने कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी नहीं। ये वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी, वो व्यक्ति जिसने कहा था कि किसी हालत में भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, 625 लोगों के नाम थे जिनके खाते विदेशों में हैं, जो स्विस बैंक ने शायद बताए थे, आज तक उन 625 लोगों के नाम सरकार ने जनता को नहीं बताए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट तक को भी नहीं बताए, पनामा पेपर्स में जिन लोगों के नाम थे उनको नहीं बताया गया। क्या कहेंगे आप, सारे के सारे क्या कहेंगे, इसी प्रधानमंत्री के काल में हुए, ये नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए इसी 6 साल में हुए हैं, जो नोटबंदी की और उस नोटबंदी के बाद जिस नोटबंदी के 4 कारण बताए गए थे, जाली नोट, भ्रष्टाचार, काला धन और आतंकवाद, चारों में से कुछ खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। विदेशों से काला धन लाने की बात थी स्विस बैंक से, वो काला धन पीछे पिछले 6 महीने की रिपोर्ट थी को 1.5 गुना हो गया, अब तो वो 2 गुने से भी ज्यादा हो गया होगा, यानी जिसको लाना था वो डबल हो गया। हर जगह फ्रॉड हो रहा है और ऐसे में आप छूट दे रहे हैं बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों को, जो करना है करो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को, ईमानदार या बेईमान, साफ सुथरा या भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त? इस तरीके से लोन लेके लोग चले जाएंगे, देश की स्थिति का क्या होगा? नहीं, देश की स्थिति बर्बाद हो जाएगी निश्चित रूप से, जो पब्लिक का पैसा है इस तरह से लुटेरे लूट के चले जाएंगे, और ये बहुत स्पीड से होगा, जिस तरह से काम जो समझ में आ रही है वो बहुत स्पीड से होगा, इस कोरोना संकट की आड़ में ये सारा सब कुछ होगा, बहुत स्पीड से होगा, देश को बर्बाद कर दिया जाएगा, बैंकों का भट्टा बिठा दिया जाएगा, सैकड़ों की संख्या में मजदूर, पता नहीं 500-600 या हो सकता है इससे भी ज्यादा संख्या हो जिनका पता नहीं लग पा रहा। और आप देखिए कि रेल में, रेल डिपार्टमेंट, आप समझते हैं कि रेल डिपार्टमेंट को मालूम नहीं है क्या, रेल डिपार्टमेंट बेईमान नहीं है क्या, रेल डिपार्टमेंट को पता नहीं कि जब आप प्रतिदिन 6,000 ट्रेनें चलाते थे, जब ट्रेनें जो है, बहुत सी ट्रेनें जो है टाइम पे पहुंच पाती थी या इतने लेट नहीं होती थी, और अब पूरा रोड खाली है, दिन में 200 ट्रेन चलती हैं, उस समय 3 करोड़ लोगों को ले जाने की क्षमता प्रतिदिन रेलवे की थी, अब कितने लोगों को ले जा रही है? अगर टोटल जो प्रवासी मजदूरों को देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर में उनको ले जाया जा सकता था, लेकिन उनको एक एक व्यक्ति, आप देखिए क्या हालत हो रही है कि जो 30 घंटे की दूरी है 90 घंटे में पूरी हो रही है, जो 20 घंटे की दूरी है वो 72-75 घघंटे में पूरी हो रही है। 9 लोग मर गए, 9 लोगों की तो इन्फॉर्मेशन है, बाकी और का क्या हाल होगा पता नहीं, 9 लोग मर गए। आपने देखा वो जो महिला मरी हुई मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर, और उसकी छोटी सी बच्ची जिसे पता नहीं, वो सोच रही मां मेरी सोई हुई, उसे जगाने की कोशिश कर रही, और फिर एक और व्यक्ति वहां मर गया, फिर और देखे आपने तो 9-10 लोग ऐसे मर गए रेलवे में, ना उसमें पानी है, ना खाना है,
जो पानी पी रहे हैं वो बाथरूम का पानी पी रहे हैं, बहुत बुरी उनकी हालत है, गर्मी है, पंखे नहीं है, पंखे नहीं चल रहे हैं, क्या हालत बना दी है? क्या सरकार का डिपार्टमेंट, सरकार को भी पता नहीं है, सरकार के डिपार्टमेंट के लोग इसमें शामिल नहीं है? क्या वो लोग बेईमान नहीं है? क्या लोग वो भ्रष्ट नहीं है? क्या वो लोग नकारा नहीं है? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? सो मेरा कहना यह है कि अब आप फैसला करें कि जिस व्यक्ति को बड़ा ईमानदार बताया जाता था, यह सारा सब कुछ घोटाला और ये सारे सब कुछ जो बेईमान लोग हैं उनको संरक्षण इसी सरकार के दौर में मिला है, और अब ये जो फैसला है मैं समझता हूं देश को बर्बाद कर देगा, पूरी तरह से जो कुछ बचा है उसे भी खत्म कर देगा। लोगों को सोचना चाहिए कि क्या उन्हें अपने पैसे बैंकों में रखने चाहिए या उन्हें निकाल लेने चाहिए। एक ईमानदार पुरुष की जो छवि जबरदस्ती बनाएगी, और इस सारी छवि को बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ वो मीडिया, जो दलाल गुलाम और गोदी मीडिया है ये उसका है, इस पे कुछ नहीं बोलता वो गोदी मीडिया, कुछ नहीं बोलता ये गोदी मीडिया। इतिहास में इसका नाम बड़े काले अक्षरों में लिखा जाएगा, बहुत ही मैं ये कहूं कि कुख्यात इसका ये काल रहेगा, इस गोदी मीडिया का, जिसने देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, इंसानियत के प्रति अपना फर्ज ना निभाकर सिर्फ सरकार की चापलूसी करी, उसके तलवे चाटे और अपना ईमान बेचकर उसके हिसाब से जो भी कहना था उसके हिसाब से कहा। आज भी हो क्या रहा, इतनी भयानक घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन वो गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ उन मुद्दों से अलग हटके बेकार की चीजें दिखा रहा है। वही हिंदू मुस्लिम, वही हिंदू मुस्लिम, वही सारी की सारी चीजें वही सब कर रहा है। तो मेरा आपसे कहना है साथियों, इस विषय पर जरूर सोचें, गंभीरता से सोचें कि जो ये किया गया है, बैंक वालों को खुली छूट दे दी गई है कि जो करना है करो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, डरने की जरूरत नहीं है, ये देश को बर्बादी की तरफ पूरी तरह से ढकेला है। सब लोग गंभीरता से सोचें।